नेक्स्ट खबर जो हमारे सामने आ रही है वो रियलमी के रिलेटेड है, जहां पर रियलमी का एक टैबलेट जिसका नाम रियलमी पैड है वो लीक हो गया है, और उसका डिजाइन जो है आप देख सकते हैं बड़ा इंडस्ट्रियल टाइप का डिजाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो चीज मुझे पसंद आई है इसमें वो ये है कि इसके जो बेजल्स हैं वो चारों किनारों पर बराबर हैं, और उसकी वजह से ये बहुत क्लीन लुक प्रोवाइड कर रहा है। काफी हद तक जो आईपैड प्रो वाली लुक है वो आ रही है। बैक साइड पर जो कैमरा सेटअप है वो एंटायरली डिफरेंट डिजाइन में आता है, आप देख सकते हैं एक लाइन गुजर रही है पूरी बॉडी में, और सिंगल कैमरा सेटअप रखा गया है। और इट मेक्स सेंस कि अगर आप टैबलेट बना रहे हो तो उसमें आप सिंगल कैमरा ही लगाओ, क्योंकि कोई भी बंदा टैबलेट तस्वीरें खींचने के लिए नहीं लेता, और टैबलेट का मैक्सिमम जो कैमरा है वो या तो वीडियो कॉलिंग के लिए यूज होता है, या फिर आपने कभी किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजनी हो या इस तरह की चीज हो तो उसमें तस्वीर की खूबसूरती या बहुत ज्यादा डिटेल जो है वो मैटर नहीं करती। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस टैबलेट के अंदर आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स और उसके अलावा यूएसबी टाइप सी की पोर्ट देखने को मिलेगी। इसके अंदर जो प्रोसेसर आएगा उसके बारे में हमें एग्जैक्ट जो डिटेल्स हैं वो नहीं प्रोवाइड की गई, बट उम्मीद की जा रही है कि ये किसी अच्छे प्रोसेसर के साथ ही आएगा। और यहाँ पर जो बैक साइड पे कैमरा है उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ये जो कैमरा है एक अच्छे सेंसर के साथ आ रहा होगा। दोनों जो सेंसर्स हैं वो रेजोल्यूशन वाइज काफ़ी कम है, 8 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखने में आएगा कि इसके अंदर एग्जैक्ट क्या स्पेक्स आती हैं और क्या ये कभी पाकिस्तानी मार्केट में आता है या नहीं आता, बिकॉज मैं बार बार कह चुका हूँ कि लैपटॉप में तो अब कंपनीज घुस रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस टाइम भी टैबलेट स्पेस के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि कोई भी बंदा जो है ना वो फिल नहीं कर पा रहा, और उसको अगर ये कंपनीज फिल करती हैं तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो टैबलेट खरीद रहे होंगे।